सिद्धू की रैली में मोदी मोदी के नारे लगाने वाले के खिलाफ केस दर्ज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के मध्य प्रदेश के देवास रैली में मोदी मोदी के नारे लगे थे। देवास के एसपी एस राठौर ने बताया कि नारे लगाने वालों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया गया है। सिद्धू ने शुक्रवार को देवास शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया था। इसी दौरान कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए थे। सिद्धू ने चौकीदार चोर है कहा तो लोग मोदी मोदी बोलने लगे। सिद्धू ने जैसे ही मंच से चौकीदार चोर है के नारे लगाए, वहां मौजूदा कुछ लोग पीछे से मोदी मोदी चिल्लाने लगे। इसके बाद गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर रहे लोगों पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी और उन्हें दौड़ाया। एसपी राठौर ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है, सबूत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में मोदी मोदी के नारे लगाने वाले किस पार्टी के लोग थे। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की रैली में मोदी मोदी के नारे लगे। इससे पहले भोपाल से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के रोड शो में भी मोदी मोदी के नारे लगे थे। इसके बाद पुलिस ने नारे लगाने वाले लोगों को वीडियो के जरिए पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।